अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करना ठीक ठाक हो। सो तो जनाबे आला अज इस एक जगह मौजूद है बटाला च, तो इतने तुम्हें बटाले की हिस्ट्री वगैरह दसने इतने क्या क्या मुश्किल ये भी भाई नहीं पुछा इन्हें ना शा पुछा तो चलो शुरू कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, ये क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैर खैरियत, अल्लाह ठीक ठाक हो। सब तो पहले दसो ना की तुहाडा? मेरा नाम सगर अली, मैं बटाले शहर बटाले दे रहायशी हूं। तो जनाब कितनी उम्र है तुहाडी? मेरी 54 साल उम्र है। 54 साल उम्र है ते जमपाल तुहाडी बटाले दी है? जमपाल बटाले नेड़े है। अच्छा जी, मैनू ये दसो कि वैसे टोटल बटाले च कितना तो कितना किन्ना एरिया बटाले च आंदा है, मतलब अंब कितने तकरीबन होणगे? बटाला तकरीबन जड़ा ना ये 20 किलोमीटर के अंदर अंदर बटाला है। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जिंदे अंदर अंबा के बेशुमार बागात ने। अच्छा, अच्छे तो अच्छे बागात ने, ठीक है, और बहुत टूरिज्म वास्ते बहुत अच्छा इलाका है, जिन्ना इसकी तारीफ की जाए मरी तो भी ज्यादा खूबसूरत इलाका जिन्ना भी है। अच्छा, मैनू ये दसो कि इतने रिहायशी के बटाले अंब या बाकी बाहर बंद अंब ज्यादातर इतना? असल ये जरा अंबा के बगीचे ने हिंदू लोगों लाए, हिंदू लोगों लाए था, और जिस टाइम 71 और 65 47 च कुछ हिंदू जो नसाए ने। अच्छा, ठीक है, नस गए, इलाका छोड़ गए, जमीन घर बार छड़ गए, नसाया, उन्होंने तवी तो पार किया करके जनाब फिर इस इलाके पर कब्जा किया, कब्जा करके जनाब इलाकों को छीनिया गया 1947 कुछ इलाका रह गया सी जरा 65 च कोई खोया उन्होंने को, फिर उसके बाद कुछ मजीद इलाका सू 1971 आजाद कराया। अच्छा, ना मुन्नू दसो कि जिथे असं बैठे हुए कि डंगा चाहुंदा एरिया सारा? ये असल में डंगा बटाला है। डंगा बटाला डंगा क्यों कहा जाता है? डंगा जना हिंदी जबान का लफज है, असं कहने स्टेज बनाया जी किसी भी VIP आदमी वास्ते जी असं स्टेज बना रहे। अच्छा, वह लोग कहते हैं डंगा बनाओ जिसे आ गए हरी सिंह जरा इस आजाद कश्मीर का यानी सदर सदर सी उस जी, वह आता से जम्मू तू घोड़ियां पर आता से उसकी बहन वास्ते जगह इतने हाई स्कूल से इस जगह के डंगे हाई स्कूल उस वक्त उत्थे ग्राउंड से ग्राउंड के अंदर उन्होंने एक स्टेज तैयार किया जिसन हिंदी जबान डंगा कहते हैं, उसके उपर बड़े बड़े पत्थर लिया के रखे उन्होंने कुर्सियां टैप, ठीक है, वो पत्थरों पर आ गया हरी सिंह ने बहना सामने अवाम ने बहना, उन्हें पूछना जी थोड़ी मुश्किल पे ने। अच्छा, ठीक है, तमाम लोग उन्हें बिठाने मुश्किल उन्हें पूछनी है, पूछ के हर बंदे को उसके बाद उन्हें उस वक्त ही वह जो आर्डर जारी करने कि ठीक है जी ये मुश्किल इनकी हल करो, ठीक है, इस वजह तो वो डंगा इन कहा जाता है सिर्फ हरी सिंह की बैठक की जगह बैठने की वजह। चलो साढ़े चैनल की वजह वहां भी पता चलेगा कि डंगा क्यों कहा जाता है जी। तो उस तो बाद सिंह दसो कि मुश्किल बटाले के कुछ होना चाहिए? मुश्किल जनाब सब तो पहला तो सू मुश्किल पानी की मुश्किल है, पानी की मुश्किल है पानी तो बाद अगर कोई साहब हसीयत या कोई गौरमेंट ये तवजो देने तो बाद इन लोगों की पानी की जी मुश्किल हल करे, एक सदका जारिया भी है, अगर कोई साहब हसीयत आदमी है दूसरे नंबर गौरमेंट तवजो देना चाहे तो गौरमेंट वास्ते बहुत अच्छा क्योंकि वह हक बनता, दूसरे नंबर रोडों की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, टूरिज्म वास्ते इलाका बहुत अच्छा इलाका है, ठीक है, मरी क्या मरी तो भी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आमदो रफ्त वास्ते जड़ा ये इलाका मुश्किल बहुत ज्यादा। रोडों के हालात देखो टूटिया रोडा ने, फिर भी इतना रश है, ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के काम ने बाकी आवाम तो कुछ कर नहीं सकती, मेरा रोडा ठीक हो सारी मुश्किल खत्म हो जाएंगे 80% मुश्किल 100% अगर पार्किंग सिस्टम दा कोई हल हो जाए बहुत जनाब टूरिज्म दा बहुत पार्किंग ते होटल वगैरह बन जाने, होटल वगैरह लोगों के कारोबार खुल जाएंगे, गुरबत खत्म हो जाएगी इस इलाके नूं, पसमांदा इलाका बैकवर्ड इलाका है, स्कूलों का बहुत प्रॉब्लम है इस जगह के बच्चे तालीम कोई नहीं आम, ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह असी भी ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जेड़े जेड़े साड़ी आवाज़ सुन रहे हैं या वो इधर तवज्जो दें, जाहिर है तवज्जो देनी चाहिए है, मैं वेख रहा कि अज जुम्मे दिन खास तौर पर इतवार है, फैमिली नाल वाम आती है, फैमिली दूर दूर फैमिली लै के आते हैं, उसका मतलब यह है कि साढ़े बटाले बहुत सेफ बटाला है, आवाम इतने मजीद अगर आवाम आती है तो रोड के मसले बहुत ज्यादा, छोटी गड्डी इतने नहीं आ सकती, तो मेरे नाजरीन के आवाम की तो देना चाहिए ध्यान, सब तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए हुकूमत की, इतने बटाले की प्रमोट करना चाहिए,
उस तो अलावा जो अंब ने इन्होंने के हालात ने ठीक ने किन्ने सौ साल पुराने अंब ये अंब जनाब हिंदू लोगों ने लाए सन ये सौ सौ साल डेढ़ डेढ़ सौ साल पुराने अंब ने लेकिन साड़ी आवाम मजीद हूँ तवजो दे रही कि नए बूटे ला रही है लाने भी चाहिए ला रही है लेकिन वो जो पुराने अंब ने फिलहाल उन्होंने बगात ही चल रहे हैं बगात चल रहे हैं लेकिन हूँ मजीद लोगों को शऊर आया तो नवे अंब भी ला रहे जहरी गल है पुराने बूटे डिगते भी है खराब भी हो जाते हैं नवे बूटे लाँगे तो साड़ा बटाला अंबा ज्यादा मशहूर है बिल्कुल इस तो अलावा सानू दसो कि दूसरे नंबर दा टूरिज्म इलाका है इस इलाके कोई डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं है बिल्कुल हुकूमती सतह से अगर कोई साड़ी सुनता प्यार तो इस इलाके तवज्जो दे कोई अस्पताल स्कूल बच्चों का बटाले विच होना चाहिए मेन बटाले विच होना चाहिए मतलब दूर ना जाना पवे तो सानू कोटने में बरनाला जाना पैंदा बच्चों को पढ़ने वास्ते थोड़ा बैकवर्ड इस वजह तो असीं थोड़े बैक हो गए बटाले ते सारे सहूलतां घूमे देनी चाहीदियां ने ते असीं मजीद कोशिश करांगे तुहाडी आवाज़ दूर पहुंचाई जाए अपने चैनल की वजह तो बाकी तो मैं आना कि सड़क बन जाए तो अद्धी मुश्किलात हल हो जाए सड़क तो पानी तो जी तुम दसिया ने स्कूल वगैरह कौन इतने डिस्पेंसरी कौन वो भी बन जाए तो मेरे हिसाब से सब ठीक हो जाए पार्क सिस्टम हो जाए बिल्कुल और जो बाहरों दूरों दूरों लोग आ रहे हैं लाहौर तक गुजरात तक कराची तक मुख्तलिफ शहरों चो लोग आ रहे विद फैमिलियाँ इस जगह उन्होंने वास्ते सहूलत सहूलत हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल होटल होने चाहिए चलो वो आवाम तवज्जो दे लेगी लेकिन कारोबार के लिहाज न अगर गवर्नमेंट थोड़ी रोडों से तवज्जो दे तो नाजरीन मेरे हिसाब से सारी गल्लां सताकलियां सुन लियां सन बटाले क्या मुश्किलात न क्या कुछ होना चाहिए सड़क होनी चाहिए उस तो अलावा स्कूल वगैरह डिस्पेंसरी वगैरह होनी चाहिए इतना पार्किंग सिस्टम जिंदा सिया अंकल पार्किंग सिस्टम भी इतना होना चाहिए पानी का सिस्टम भी इतना होना चाहिए साड़ा बटाला बहुत खूबसूरत है तो आवाम इतने इंजॉय करन भी आती है तो यह मुश्किलों की वजह मामलात होंगे न उम्मीद करना वीडियो पसंद आई उसी तो असं तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अस्सलाम वालेकुम।